हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी सी हूँ। पीछे देखिए खुशी उनको देख रही है, घर जाने का नाम नहीं ले रही है। एक्चुअली आपको बताया था कि मेरे कान में पेन है, तो ये इसमें तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, कुछ भी। तो अभी तो मैं जा रही हूँ, मम्मा का कॉल आया था, बोलते तू ठीक हो जाएगी फिर चले जाना, एक दो दिन के लिए आ जा। तो अभी फिर मैंने इनसे पूछा, फिर ये बोलते चल अच्छा जा, ठीक हो जाएगी तो आ जाना वापस। तो एक दो दिन के लिए जा रही हूँ मैं, वापस जा रही है। डोगी खाएंगे तो ये इतना टाइम लगा रही है चलने में, गोदी में तो आ ही नहीं रही है। तो ये मैंने बैग पैक कर लिया, थोड़ा सा इसके कपड़े लिए अपने लिए, क्योंकि एक दो दिन के लिए जाना है। तो चली हूँ अभी, जस्ट अभी रास्ते बीच में हूँ, मतलब पहुँचना है, एंट्री करवानी है, बाहर जाने के लिए बोलना है उनको और फिर उसके बाद जाना है। तो अभी घर जाके मिलूँगी, क्योंकि इस राइट ईयर में मेरे को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, कुछ बिल्कुल बंद है। डॉक्टर के पास भी जाना है तो फिर थोड़ा बच्चे के साथ दिक्कत आ जाती है। तो मैं जा रही हूँ, मम्मी ने बुलाया था तो वो बोलते हम आ जाते हैं या फिर यहाँ पे इतना आने नहीं देते ना, तो फिर अभी मैं जा रही हूँ। ये देखो चल ही नहीं रही है, मेरे को लेट करवाएगी, एक तो तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से इसको देखो खाते ये काटते भी हैं। खुशी चलो 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 चलो, हे गाइस। सो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे, टाइम देखती हूँ मतलब 3:30 हुए हैं, 3:30 पे मैं घर पहुंच गई हूँ और बहुत भूख लगी है और मम्मी बना रहे हैं मेरे लिए मैगी, तो मैं खाऊंगी मैगी। और सच में इतना अजीब लग रहा है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सिर्फ इस कान से सुनाई दे रहा है और बाकी ऐसी जैसे रात को वर्ड्स आवाज़ करते हैं ना, वैसी आवाज़ आ रही है। तो पापा खेल रहे खुशी के साथ, चले गए खुशी के साथ खेलने के लिए, पापा आए वैसे मेरे। और मैं एक्चुअली कुछ भी सुनाई इस कान से, अब यहाँ से ब्लीडिंग, और मैंने एयरिंग भी उतार दी क्योंकि खून से भर जा रही थी वो, और तो एक दो दिन के लिए उतारी है, फिर पहन लूँगी मैं। उसमें तो अभी मैं निकाल रही थी ऐसे हाथ से, मुझे अजीब सा लग रहा था, तो पापा बोलते मत निकाल। तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। एक्चुअली पापा की आवाज़ इतनी ज़ोर की है ना, इतनी ज़ोर से बोलते हैं वो, उनकी आवाज़ तक नहीं मुझे सुनाई दे रही। और मैं जो बोल रही हूँ मैं काफ़ी धीरे बोल रही हूँ, ऐसा मुझे तो लग रहा है कि मैं ज़ोर से बोल रही हूँ पर उनको सुनाई नहीं दे रहा ऐसा है। तो मैं खुशी के पापा से जब फ़ोन पे बात कर रही हूँ तो भी मैं अपने मतलब वैसे बोल रही हूँ तो उनको सुनाई नहीं दे रहा, मतलब मैं बहुत धीरे से बोल रही हूँ, पता नहीं इसमें आ रही है कि नहीं आ रही है, वो अभी मुझे बाद में पता चलेगा जब देखूँगी। और मैं पहुँच गई हूँ और सच में कोई भी तकलीफ जो होती है वो कम नहीं होती। देखो जब पेट दर्द हो, फीवर हो, या फिर मुंह में हो दर्द, कान में हेडेक, कुछ भी हो, कोई भी कम नहीं होती, बहुत बुरी हालत होती है। मुझे पता है जिस दिन सुबह इन्होंने जाना था उससे उसी उसकी रात जो पहले रात थी बहुत रोई थी मैं, बहुत मैं रो रही थी, खुशी मुझे देख के इतनी रो रही थी, बहुत बुरी हालत हुई। वैसे पिछली वीडियो में मैंने बता ही दिया होगा, तो बहुत बुरा हुआ ऐसे, अब इतनी पेन। तो अभी मम्मी ने बुलाया है, ठीक हो जाएगी फिर चले जाना। और मुझे अभी बस, क्योंकि सच कहूँ तो मेरा मन भी नहीं करता मायके आने का, ऐसे बहुत बातें सुनी हैं से मन ही नहीं करता आने का। फिर मैंने सोचा एक दो दिन निकालूँगी, फिर जल्दी से निकल जाऊँगी, जल्दी जल्दी से चली जाऊँगी मैं। तो अभी करते हैं एक दो दिन, तो अभी हम पहुँच गए हैं, अभी अपनी दादी खुशी को और उसके नानू को। खुशी क्या कर रही है? खुशी पता नहीं इनको मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं, मैं जोर से बोल रही हूँ कि नहीं। पापा आवाज आ रही मेरी? खुशी बंद करो, गेट को बंद कर दो।
खुशी गेट बंद करो। खुशी नहीं, गेट बंद करो। So guys, एक और बात मुझे याद आई, वो है कि जब मैंने इसको कॉल किया, मैंने बोला कि मुझे नहीं सुना, ये खुशी ने मुझे नाखून लगाए या नाखून बहुत सारे नाखून और आईज भी रेड से हो गए, क्योंकि दो दिन सोई नहीं हूँ पेन की वजह से, दो दिन नहीं सोई हूँ, पूरी रात नहीं सोई, तो दिन में मुझे नींद आती नहीं है। तो फिर क्या था, हाँ इनको मैंने अभी कॉल किया, मैंने बोला मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, जैसे फ़ोन हुआ तो मैं ज़्यादातर राइट हैंड में मतलब राइट ईयर में लगाती हूँ कान को फ़ोन, तो उसमें लगा रही तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा, फिर इधर करूँ तो मुझे इतना वो हो ही नहीं रहा है ना। तो बोलते तू बड़ी हंसती थी ना, तू हमें बोलती थी ना कि आपको सुनाई नहीं देता, ऐसे ऐसे बहरा बहरा, तो इनको बोले बोलती थी, ऐसा बोलती थी अपनी लैंग्वेज में, मैंने बोले होती ही मतलब आपको सुनाई नहीं देता। तो एक वो इनको बोलती थी, एक नंदनी जो उधर कश्मीर में थी मेरे साथ बच्ची, उसको बोलती थी, क्योंकि पता नहीं इनको सुनाई नहीं देता या फिर इनको सुनाई देता है बट ये अनसुना कर देते हैं, ऐसा कुछ था। तो फिर मैं इनको मजाक करती थी और आज ये मेरे ऊपर हंस रहे थे, बोलते मैंने बोला आपको खुशी हो रही है मुझे सुनाई नहीं दे रहा, बोलते ऐसा है कि मतलब तू हंसती थी ना हमारे ऊपर, तो देख अब। तो सच में सच कहूँ तो ये उन्हीं को पता है जिनको सुनाई नहीं देता, जिनको दिखाई नहीं देता, जो बोल नहीं सकते, उनके ऊपर मैं समझ सकती हूँ उनके ऊपर क्या बीतती होगी। और बहुत स्पेशल लोग होते हैं वो, मुझे जहाँ तक मेरा मानना बहुत स्पेशल लोग होते हैं, क्योंकि उनके अंदर फिर हमें बर्फ नहीं इतना कुछ नहीं होता, फिर भी हम मतलब सेटिस्फाइड नहीं होते, संतुष्टि नहीं मिलती हमें, हमें बस और चाहिए इतनी होती है। सो गाइस ये होगी है मैगी रेडी, मम्मा ने बना दी है और पापा नहीं खाएंगे तो वो भी मैं खाऊंगी, और मम्मी मुझे देख रहे हैं। पकड़ लो देखिए पापा ने आपको मंजे चढ़ाई छु, पक्का नहीं खानी ना, तो ये मेरे खुशी को भी नहीं मिलेगी, खुशी को भी नहीं मिलेगी मैगी मैगी। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अच्छी इसमें क्या है, कई लोग बोलते होंगे पागल है वैसे क्या क्या बोलती रहती है, जैसे हमें किसी की लाइफ में इंटरेस्ट है कि हम किसी की लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए मैं अपने लाइफ में मैं आपको बता रही हूँ। तो कीप स्पॉटिंग एंड लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।